हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी जॉब को भी और अपने यूट्यूब को भी दोनों ही चीज़ मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि जॉब जो है मेरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 घंटे 10 घंटे की है क्योंकि ट्रैवल मिला के कम से कम 12 घंटे हो जाता है मुझे और फिर मुझे यूट्यूब वगैरह करने के लिए टाइम कुछ खास नहीं मिलता तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ मैं आप लोगों के साथ इसी को आज शेयर करूँगी इस वीडियो में लेट्स गेट स्टार्टिड द वीडियो तो सबसे पहले टाइमिंग की बात कर लेती हूँ जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो साढ़े आठ बजे मुझे निकलना होता है उसके बाद मैं घर आती हूँ मुझे नौ बज जाता है नौ सवा नौ बज जाता है इसके बाद मेरा क्या है कि शूट जो है मेरा वो मेरा किचन में ही होता है आधा सेटअप बनाया हुआ है मैंने किचन के अंदर आधा काम होता रहता है और आधा मेरा सेटअप की त्यारी जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ये एक्चुअल में किचन है मेरा जो कि मतलब आधा है और आधे में काम होता रहता है तो वही घर का काम वगैरह जब निमट जाता है तो 10 11 बज जाते हैं और मैं वेट करती हूँ कि सारा कुछ हो जाए सारा कुछ कंप्लीट हो जाए किचन का जो काम होता है वो सब कुछ कम्प्लीट हो जाए उसके बाद मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ बनाना तो जब सब कुछ करने के बाद मैं ट्राई करती हूँ तब तक मैं फ़्रेश वगैरह होके चाय वाय पी के और अपना टॉपिक वगैरह सिलेक्ट कर लूँ टॉपिक वगैरह सिलेक्ट करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि खाना जल्दी खा लेने के बाद नींद आ जाती है और यूट्यूब नहीं करने का मन करता आई I मीन mean कि यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करने का मन नहीं करता तो मैं क्या करती हूँ कि एक ही दिन में दो चार वीडियो एक्स्ट्रा शूट करके जो मैं रखती हूँ अब मैं उसी को बैकअप में रखती हूँ अपनी वीडियोस को कंटेंट्स को तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एक दिन में जब भी मैं शूट करूँ या जब भी मेरे को टाइम मिले मैं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ और कॉन्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा शूट करूँ तो क्या होता है ग्यारह बजे के बाद मैं ट्राई करती हूँ शूट करने का स्टार्ट करती हूँ बट एक और प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ये होती है कि पीछे बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा वॉइस चल रहा होता है इतना नॉइस हो रहा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ वॉइस ओवर वाली वीडियोज़ डालूँ जो कि आपको मिलती भी होगी मेरे चैनल पर और मेरी मोस्टली वीडियोज़ ही वॉइस ओवर वाली होती है आज जो मैं बना रही हूँ वो टचवुड मेरा ऑफ है और मेरे छुट्टी वाले दिन मैं ये लाइव इंट्रो वाला वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं ट्राई करूँ कि कुछ अपना चैनल पर नया भी लाऊँ क्योंकि मैं रेमेडीज़ वगैरह में वॉइस ओवर करके तो डाल देती हूँ लेकिन कुछ कॉन्टेंट जो मेरे आ, ऐसे बोल के बताने वाले हैं उनको मैं मौका देखती हूँ कि मेरे को कब मिलेगा टाइम और कब नहीं मिलेगा तब मैं बनाऊँगी तो आज थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आ भी रही होगी मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसे क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो इन सब चीज़ों को या वीडियो को देखने में क्योंकि जब वॉइस क्लियर नहीं होती तो आजकल हर कोई हेडफोन वगैरह यूज़ करता है आ, लीड वगैरह यूज़ करता है तो सबको एक क्लियर वॉइस ही चाहिए होती है तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब रात को वीडियो शूट करने बैठती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी वीडियोस वगैरह को नॉर्मल सिर्फ फिल्म कर लूँ और बाद में वॉइस ओवर करूँ और उसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है कोई किस किसी को कुछ चाहिए होता है किचन में कभी किसी को कुछ सामान की नीड पड़ती है कुछ पकाना होता है कुछ बनाना होता है तो ऐसा किचन में आना जाना चलते रहता है तो इसलिए थोड़ी बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट आता है कि बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड के लिए क्या होता है कई बार काम करते वक्त सब कुछ निकल भी जाता है और बार बार सही करना पड़ता है और अभी आपको दिख रहा होगा किचन में ही शूट कर रही हूँ कोई फ़ैन वगैरह कुछ नहीं है बट स्टिल पूरा स्वेट हो गया है बट कोई बात नहीं जो मेरे को करना है वो चीज़ मैं करूँगी ज़रूर मैं यहाँ पर अपना कंटेंट शूट कर रही हूँ और मैं उसे करूँगी चाहे कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो मुझे करना ही है तो मैं आपको क्या बता रही थी आ, मैं भी भूल गई हाँ मैं आपको बता रही थी कि रात को वीडियो शूट करते वक्त कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वॉइस ओवर करने के लिए मुझे बहुत मौका देखना पड़ता है कई बार मैंने दो दो बजे तक वॉइस ओवर किया है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉब और यूट्यूब करना कोई आसान बात है कोई आसान बात नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप आ रहे हो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए और आपको और आप मतलब मैं खुद इतनी बार डीमोटिवेट हो चुकी हूँ कि मैं कैसे करूँ कई बार मन करता है छोड़ दूँ कई बार मन करता है चैनल यार कोई बात नहीं इतने दो हज़ार हज़ार जो भी है मेरे पास मेरे व्यूअर्स जो मेरे को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनके लिए मुझे कॉन्टेंट पोस्ट करना ही करना है बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो मैं कंटेंट ज़रूर से ज़रूर शूट करूँगी और आप लोगों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर करूँगी तो अभी आते हैं इस पर कि अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम होता है कई बार ऐसी चीज़ों को शूट करना पड़ता है जो किसी और की नीट पड़ती है जो कि कोई नहीं करता है क्योंकि आप जब बिगनर होते हो तो आपको खुद ही करना है सब कुछ जैसे कि हम कर रहे हैं अभी भी तो जिन लोगों के लिए ये बहुत ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं स्टैंड पे लगाओ शूट कर लो ऐसा नहीं होता स्टैंड पे सिर्फ एक ही लोकेशन पे शूट हो पाता है उससे ज़्यादा नहीं हो पाता आपको खुद करना पड़ता है हर एंगल को बार बार घुमाना पड़ता है और हर एंगल से शूट करना पड़ता है वीडियोज़ को ताकि वीडियोज़ अच्छी दिखे थोड़ा सा अच्छा लगे और वीडियो में अच्छी क्वालिटी आए जिसकी वजह से जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको अच्छे अच्छा कॉन्टेंट मिले तो इसलिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं यूट्यूब को करने में तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब और यूट्यूब दोनों मेंटेन हो जाए तो आपके लिए एक सेपरेट आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा दो घंटा तीन घंटा ऐसे टाइम पर निकालिए आप जब आपको टाइम मिले जब आपके पास कोई ना हो कोई ना हो या फिर आ, सब लोग बिज़ी हो या फिर ऐसी जगह स्पेस हो जहाँ पे कोई आए जाए ना थोड़ा बिल्कुल आपको प्राइवेट स्पेस मिल जाए अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये करूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ और फिर मैं जॉब को देखूं बट मेरे को ऐसा नहीं करना है क्योंकि मुझे इसको करने में बहुत खुशी मिलती है मुझे ऐसा लगता है मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ अपनी वीडियोस को बनाती हूँ मेरा काफ़ी हद तक मुझे एक बिज़ी रहने के लिए एक बहुत अच्छा कह सकते हो आप सोर्स मिल गया है कि मैं थोड़ा बिज़ी रह सकूँ तो अगर आपको माइंड डाइवर्ट भी करना है तो भी आप वीडियो वगैरह बना सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको वीडियोज़ के लिए बिल्कुल एक ही नीच वगैरह देखनी है आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप बनाइए थोड़ा टाइम दीजिए लेकिन आप अपने आ, अपने मन की शांति के लिए अगर आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो बनाइए टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल नहीं मिलता है आपको आपकी नींद से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी चीज़ से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कभी नहीं हो तो आपको आ, जो आपका स्पेस है उससे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि किसी को बिठाना पड़ेगा चुप करके यार चुप चुप हो जाओ बैठ जाओ वीडियो बना दें तो कितना सारा स्ट्रगल है ना इसमें इस वीडियो में आपको पता लगा होगा कि कितनी मुश्किल से एक कंटेंट तैयार होता है तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रहे तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आते हैं तो एक लाइक देकर जाइए अगर आपको थोड़ा भी इससे मोटिवेशन मिलता है तो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा कोई फैन वगैरह नहीं है तो बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में